जय जगन्नाथ। नमस्कार आपण मान जदि टीचर्स ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करना तबे निश्चय सब्सक्राइब करंतु। हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टॉक स्पोर्ट्स आइटम स्टॉक रजिस्टर आप स्कूल में कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। ये वीडियो आप पहले से आखिर तक देखिए, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। अगर आप प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में, तो एज ए हेड टीचर यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस रिकॉर्ड्स। ये बहुत ही ज़रूरी है। आप जब किसी प्रमोशन आपको मिल जाएगी, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो आपको जब डिटेल चार्ज देना पड़ेगा आपका जो सक्सेसर है, तो उस वक्त आपको ये रजिस्टर भी देना पड़ेगा। वो वेरिफिकेशन करेगा रजिस्टर, व्हाट यू हैव मेंशन इन दिस रजिस्टर वेदर इट इज़ करेक्ट और फॉल्स। सो वो जब आप देंगे उसको रजिस्टर, अगर आपका रजिस्टर सही बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब प्रमोशन होता है आपका या आपका ट्रांसफ़र होता है या कोई वेरिफिकेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, कब मॉनिटरिंग के लिए कोई हायर अथॉरिटी आता है, सो ही कैन फाइंड आउट और सी कैन फाइंड आउट द रिकॉर्ड इज ओके एज पर द स्टॉक इन योर स्कूल ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम। सो ये आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करेंगे, तो आप एक रजिस्टर लाइए बाजार से नया खरीद के। ये जो रजिस्टर आप लाएंगे, तो रजिस्टर में सबसे पहला बात आप याद रखिए, जब भी आप कोई रजिस्टर बनाते हैं अपने स्कूल में, उसका जो पहला पन्ना होता है, आप रोलिंग रजिस्टर लाइए, पहला पन्ना होता है, एक पहला पन्ना में आपको लिखना पड़ेगा एक सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट, दैट सर्टिफिकेट, दैट सर्टिफिकेट आज हेडमास्टर और आज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप इंस्टीट्यूशन का हेड होने के नाते आपको लिखना पड़ेगा आई सर्टिफाई दैट दिस रजिस्टर कंटेंस सो मेनी पेजेस। ये आपको लिख के नीचे आपका दस्तखत और सील आपको देना पड़ेगा, तभी वो रजिस्टर लीगलाइज हो जाएगा और उसको कोई भी एक्सेप्ट करेगा इन द लॉ ऑफ कोर्ट और कोर्ट ऑफ लॉ, इज दैट बी एक्सेप्टेड। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर उस वो हम नहीं करते हैं तो इट विल नॉट बी लीगलाइज्ड, वो लीगलाइज होगा नहीं। तो मैंने सभी वीडियो में आपको समझाया हूँ, तो आप ऐसे करिए, आप उसको पहले सर्टिफिकेट पहले पन्ना पर आप लिख दीजिए। तब जब हम शुरू करेंगे उसको कैसे कलम बनाएंगे, स्पोर्ट्स आइटम स्टॉक रजिस्टर, आप देखिए जब हेडिंग मैंने डाला है स्पोर्ट्स आइटम स्टॉक रजिस्टर, यहाँ लिखा है मैंने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसका मतलब क्या है, जब हम स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं तो स्टॉक रजिस्टर मतलब बीच में आपको खरीदना पड़ा होगा, या बीच में आप अगर कुछ खरीदते हैं तो आखिर में आपको देखना पड़ेगा टोटल कितना स्पोर्ट्स आइटम है, या जब आप स्कूल में आपका स्पोर्ट्स आइटम हो तो हर वक्त बच्चे खेलेंगे उससे, तो उसमें से कुछ खराब हो गया जाएगा, खराब हो गया होगा या डैमेज हो गया होगा, तो उसको भी माइनस करके आखिर में आपको दिखाना पड़ेगा हाउ मेनी गुड पीसेस आर देयर और हाउ मेनी डैमेज पीसेस आर देयर, इट हैज़ बीन डैमेज्ड फुली, यू कैन राइट ऑल्सो। सो उसके लिए आपको आइदर मंथली या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के हर 1 साल में आपको एक ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, आप एज हेडमास्टर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू हैव टू डू दिस। सो अगर आप प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो ये मेंटेन करना आपको खुद कर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे हैं वो इसको लिख नहीं सकते हैं, या ऐसा नहीं भी 5th क्लास भी बच्चे हैं आजकल बहुत सियाना हो गए, वो कैन भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपर प्राइमरी 6, 7, 8 तो वो आपका स्कूल में जो स्कूल कैबिनेट होगा आपने तो जरूर बनाया होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सो वो भी बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर पियन होगा तो कोई बात नहीं, अगर पियन या क्लर्क नहीं होगा आपका स्कूल में तो आपको खुद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बच्चों को आप समझा देंगे तो बच्चों, दो स्टूडेंट्स कैन मेंटेन इट। अगर आपको, आप सरकारी स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स कंप्लेन करता है मेरा बच्चा ये क्यों करेगा, यू हैव टू मेक हिम एक्सप्लेन, उसको समझाना पड़ेगा ये NEP 2020 एज पर द गाइडलाइंस NEP 2020 दीज आर द स्किल एजुकेशन, ये एजुकेशन का एक हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से बच्चे कुछ नहीं कर सकते, अगर ये सीखेगा तो बाद में कोई नौकरी करेगा, कोई इंडस्ट्री में करेगा, तो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर हिम और हर। सो ये NEP 2020 का एक पार्ट है, जो कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज ए टीचर। सो आप उनको समझा सकते हैं तो समझ जाएगा, नहीं नहीं ठीक है मेरा बच्चा एक काम करेगा, तो उसको भी बहुत मदद मिलती है, वो सीखता है नया चीज़, और एक स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट है, तो समझ जाएंगे। तो उनको समझाने से पहले आपको तो पहले ये करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे आप, इसे कॉलम नंबर Serial 1, सीरियल नेम द आइटम विथ स्पोर्ट्स नेम और उसका आइटम का नाम क्या है, नंबर ऑफ पीस द आइटम, आइटम का कितना पीस आपने खरीदा है, डेट ऑफ रिसीव परचेज, कौन से डेट पे आपने खरीदा, और फ्रॉम व्हिच सोर्स आइटम्स परचेज, कौन सा सोर्स से आपको पैसा मिला आपने खरीदा,
नंबर टन डैमेज भी, अगर आप चेक करते हैं 6 महीने के 3 महीने का एक साल के बाद कितना पीस डैमेज हुआ है आपको लिखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ गुड पीसेस तैयार एंड रिमार्क्स। रिमार्क्स क्या होता है, मान लीजिए डैमेज का रिमार्क्स आपने स्पोर्ट्स आइटम खरीदा है, बहुत तेजी बाढ़ आया अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में आया था या उड़ीसा में भी आया था, या साइक्लोन आता है, अगर मान लीजिए स्कूल में कुछ नुकसान हो जाता है और उसके अंदर ये स्पोर्ट्स आइटम ही खराब होता है, यू कैन मेंशन दैट रिमार्क्स हियर, या चोरी हो जाता है। सो इन द कॉलम ऑफ रिमार्क्स यू हैव टू पुट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स दे आर और इन हैपनिंग्स जो स्कूल में होता है रिलेटेड विद स्पोर्ट्स आइटम्स। ओके सर, तो आप देखिए पहले कॉलम सीरियल नंबर 1 में लिखा हूँ क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बैट्स कितना खरीदा था, आज इनमें 2 खरीदे थे और कौन कब खरीदा था ना, 2022 अगस्त 24 तारीख को खरीदा था, कहाँ से पैसा मिला था ना, स्पोर्ट्स ग्राम फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आते हर साल, आप देखिए हर साल आजकल तो कंपलसरी एनिबीटा टूर्नी में लिखा है ये सरकार हर साल आपको पैसा देंगे स्पोर्ट्स आइटम खरीदने के लिए, 10,000 आता है जहाँ 100 से ज़्यादा पिला बच्चे होते हैं और जहाँ 100 से कम होते हैं 5,000 आता है और हाई स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा आता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा हर साल आपको खरीदना पड़ेगा, या कोई कोई कहाँ से डोनेट भी करते हैं कोई आदमी प्राइवेट से या और किसी एन जी ओ अगर देते हैं तो यू हैव टू राइट इट। वो फिर आपने क्या किया, जो 2 आइटम खरीदा था आप उसको एक साल के बाद, मैंने देखा है लिखा हूँ 24/8/83 एक साल के बाद फिर मैंने उसको वेरीफिकेशन किया या आपने वेरीफिकेशन किया तो देखा कि एक बैट बिल्कुल डैमेज हो चुका है और एक ही यहाँ क्या है बैलेंस अच्छा कंडीशन में। तो दूसरा भी कैरम बोर्ड, बिग कैरम बोर्ड 3 आइटम खरीदे थे विद सेम डेट सेम स्पोर्ट्स गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ग्रांट, और एक साल के बाद हमने देखा एक खराब हुआ है और 2 अच्छा कंडीशन में है। फिर तीसरा को देखा कैरम बोर्ड स्मॉल का, वो भी 3 खरीदे थे वही उसी तारीख को और ये लेकिन कुछ ख़राब नहीं हुआ है और उसमें अभी 3 वैसे के ऐसे कंडीशन में, तो आपने उसको देखा दिया 3 पूरा बिल्कुल वैसे ही है। और चेस बोर्ड जो 10 खरीदा था आपने उसी तारीख को गवर्नमेंट ग्रांट से, तो उसमें से 3 नुकसान हो चुका है, ख़राब हो चुका है 1 साल के बाद और 7 अच्छा कंडीशन पर है। तो आप देखिए ये जो हमने सारा मेंटेन किया, ये जो हमने लिखा 2, 3, 3, 10 ये आपका बच्चा भी लिख सकते हैं जो 9th, 8th, 10th या 7th, 6th, 8th में पढ़ते होंगे, वो आपको आप एक बार समझा दीजिए वो बिल्कुल अच्छी तरह लिखेंगे, जब वो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके बीच में भी एक ये होगा एक सहायक मिनिस्टर बना दीजिए तो उनको भी कंपटीशन होगा कि नहीं मैं सही से लिखूंगा, बिकॉज दे विल लर्न द स्किल ऑफ दिस हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड। ओके सो ये अच्छी तरह कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी रहेगा, जैसे यहाँ डिटेल है अगर बीच में कोई आता है इंस्पेक्शन के लिए हायर अथॉरिटी या मॉनिटरिंग के लिए आता है तो देखा है रजिस्टर तो बिल्कुल पक्का है इसमें कोई गलती है नहीं, चेस बोर्ड था 10 खरीदे थे 3 अभी खराब हो गया और 7 अभी बाकी है, फिर जब अगले साल स्पोर्ट्स ग्राउंड आएगा फिर आप खरीद लेना, फिर उसमें क्या करना ऐड कर देना जो जो था उसमें और ऐड कर देना डेट लगा के इसी तारीख को खरीदा हुआ और ये नीचे लिखना इसी तारीख को खरीदा हुआ और ये फिर अभी इतना हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी आए बंदा जो भी आए वेरिफिकेशन के लिए यूसी देते समय भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास एवरी इन्फॉर्मेशन दिया सो आपको कोई परेशानी और नहीं होगी, क्योंकि छोटा सा काम लेकिन आपको तो समय होगा नहीं, अगर प्राइमरी टीचर हैं आप या अपर प्राइमरी है तो टीचर का तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है बहुत, आजकल इतना काम बढ़ गया है तो यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। सो आप बच्चों को लगाइए, ये बच्चों का लगाना भी आपका एक कला है, आज ए टीचर यू शुड अंडरस्टैंड दिस, अगर बच्चों से आपने ये काम कराया तो ये बच्चों का भी एक बहुत अच्छी एजुकेशन माना जाएगा, ये किताब एजुकेशन से ये भी एजुकेशन बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द स्किल एजुकेशन। ओके सर, सो यू कैन कैरी आउट दिस, और ऐसे रजिस्टर आप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जब कोई प्रमोशन हो जाता है आपका या ट्रांसफर हो जाता है तो आप अच्छी तरह ये रिकॉर्ड दे सकते हैं अपने सक्सेसर को जो आते हैं नुआ वहाँ बनने के लिए हेड मास्टर या टीचर या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। आशा ये वीडियो आपको ज़रूर आपकी मदद करेगी और आपको लगेगा कि नहीं बाकी अब स्पोर्ट्स आइटम स्टॉक रजिस्टर का मैं बना सकता हूँ स्कूल में और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसी तरह हर प्रॉब्लम का वीडियो हमारे इस टीचर्स डे चैनल पर है, आप इसको प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी में उड़िया में और इंग्लिश में तीनों लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं आप इसको समझ सकते हैं, कोशिश करिए। और अगर आपको कोई पर्सनल स्पेशली वीडियो चाहिए रिगार्डिंग ऑफिस वर्क ऑफ टीचर तो आप ज़रूर मैसेज बॉक्स में डालिए और हम कोशिश करेंगे उसी वीडियो आपके लिए अपलोड करने के लिए, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगी क्योंकि हर साल स्पोर्ट्स आइटम आता है स्पोर्ट्स ग्रांट आता है और यू हैव टू सबमिट द यूसी और यू आर द अकाउंटेबल फॉर दैट
स्पोर्ट्स ग्रांट। ठीक है, थैंक यू।